हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे सदाबहार यूट्यूब चैनल में। देखिए दोस्तों, ये मेरी बिच्छू का टिक्का प्लांट है, आप देख सकते हैं। मैंने इसे बहुत सारे गमलों में लगाया हुआ है। ये मेरे कुछ एक्स्ट्रा गमले थे जो टूटे हुए हैं, उन्हीं में मैंने इनकी नई नई कलमें लगा के छोड़ दी है। जब मैं इनकी नई बास्केट खरीदूँगी तब मैं उस पर इसकी कटिंग को दोबारा से लगा लूँगी। अभी ये प्लांट मेरे एक्स्ट्रा में लगे हुए हैं तो मैंने इसे गमले में लगा के छोड़ दिया है। आप देख सकते हैं कितने सुंदर सुंदर, कितने मोटे मोटे फूल खिले हुए हैं। ये मेरे पास चार पांच वैरायटियां हैं, आप देखिए। ये पांच पत्ती वाला है और ये किस तरीके से पूरा भरा हुआ फूल है। आप इसी तरीके से इसकी कटिंग कहीं से भी ले आइए और इसे गमलों में लगा दीजिए। इसे लगाना बेहद ही आसान है। इसकी कटिंग आप इस तरीके से कहीं से भी इसकी कटिंग ले आइए और कटिंग लगा के मिट्टी में छोड़ दीजिए। 3-4 दिन में ही आपको इसका रिज़ल्ट मिल जाएगा। ये बहुत ही आसानी से लग जाता है। इसे ज़्यादा खाद और ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। जब भी ये फूल सूख जाए तो आप इसकी फूलों को इस तरीके से हाथों से हटा के फेंक दीजिए ताकि इसमें कलियाँ जल्दी से खिल जाए। और जहाँ भी आपको गमले में जगह खाली दिखती है आप उस पर इसकी कटिंग तोड़ के लगा दीजिए। इसकी कटिंग लगाना बेहद ही आसान है। इसमें आपको ज़्यादा कुछ केयर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो इसमें गोबर की खाद डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास खाद नहीं है तो फिर आप इसको ऐसे ही नॉर्मल मिट्टी में लगा दीजिए। आप इसे कहीं बॉर्डर बनाने के काम में भी ले सकते हैं। अगर आप इसकी एक क्यारी बनाना चाहते हैं तो आप अलग अलग फूल लगाकर बना सकते हैं। आप देखिए इस तरीके से इसकी कलमें लंबी हो जाती है। मैं इस तरीके से इसे तोड़ लेती हूँ, नीचे से इसकी पत्तियाँ हटा लेती हूँ क्योंकि मिट्टी में ये वैसे भी सड़ जाएंगी, इसलिए आप नीचे से पत्ती हटा लीजिए। इस तरीके से छेद करके मिट्टी में और इसे दबा दीजिए। ये बहुत ही आसान है। कुछ ही दिनों में इसकी ब्रांच ये वाली बहुत लंबी हो जाएगी और जहाँ से हमने ब्रांच को कट किया है वहाँ पे और नई नई ब्रांच आ जाएगी। जितना हम इसकी कटिंग करते हैं उतना ही तेज़ी से ये बढ़ता है और फैलता है और पूरा गमला इससे भर जाता है। मैं इसी तरीके से जो भी इसकी लंबी लंबी कटिंग है उन्हें तोड़ती रहती हूँ और एक्स्ट्रा गमलों में लगाती रहती हूँ। इसी से ये मेरी ढेरों की संख्या में बढ़ गए हैं। आप देख सकते हैं मैंने किसी किस तरीके से टूटे हुए गमलों में लगाया है। ये सभी गमले बेकार हैं, टूटे हुए हैं। मैंने इसे इस तरीके से प्लास्टिक के टूटे हुए डब्बों में लगा रखा है। जब मैं नई बास्केट खरीद के लाती हूँ तो मैं इसकी कटिंग को अच्छी बास्केटों में फिर लगा लेती हूँ। अगर हम इसकी कटिंग को तोड़ते रहेंगे, लगाते रहेंगे तो हमें इसको कभी भी खरीद के नहीं लाना पड़ेगा। अगर आप भी इसको खरीद के नहीं लाना चाहते हैं तो ये आपको किसी के भी घर पर सड़कों पर बहुत ही आसानी से लगा हुआ मिल जाएगा। आप इसकी कटिंग ले आइए और इसे गमले में लगा लीजिए। जैसे जैसे इसकी ब्रांच बड़ी होती है उसे कट करते जाइए, दूसरे गमले में लगाते जाइए। जितना आप इसकी कटिंग करेंगे उतना ही ज़्यादा ये फैलेगा। आपको मेरा चैनल कैसा लगता है आप मुझे कमेंट करके बताइए। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप उसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आपको समय समय पे दिख सकें। आप देख सकते हैं इसे लगाना कितना आसान है और ये दिखने में भी बेहद ही खूबसूरत लगते हैं। आप इसे तेज़ धूप में रखिए और कम पानी दीजिए।